इतना इंतजार तो कभी खुद की स्कूल की छुट्टी का नहीं किया जितना गुनगुन का करना पड़ रहा। ओ गॉड, कब होगी ये छुट्टी? बेचारे, अब इतनी गरीबी आ गई है कि बरसाने से गुनगुन को स्कूल छोड़ने के लिए तुम इस स्कूटर पे आए हो। And I'm sure, पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए यहाँ बाहर वेट कर रहे। अब इसे बुरी किस्मत नहीं कहते तो किसे कहते? वैसे राहुल काफी मसल लॉस हो गया है। हाँ, वो प्रोटीन इंटेक बंद हो गया होगा ना, प्लस जिम भी नहीं जा पा रहे होगे। ओ हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही? मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, जाओ यहाँ से। अरे मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हें यहाँ देख लिया, मैंने सोचा हाय बोलती चलो। पर राहुल एक बात तो है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे भाई हो, स्पेशली तब जब तुम्हारा भाई बाहर ऐश कर रहा है। सब मेहनत कर रहे हैं और मोहन भैया भी जॉब कर रहे हैं, समझी? मोहन भैया जॉब कर रहे हैं? कहाँ जॉब कर रहे हैं तुम्हारे मोहन भैया? ऐसे जानना चाहते हो तो शाम 4 बजे ना आज घर आ जाए, सब पता चल जाएगा तुम्हें। वाह वाह राधा मोहन, तुमने इस गधे को भी बेवकूफ बना ही लिया। एनीवे, सी यू। अब बताओ क्या करना है? दुलारा हाजिर है। तू तो हमसे दूरी रहे। देख बेटा, हमारे कपड़ों पे वैसे भी कोई दाग नहीं है, दूर रहे, दूर रहे। नहीं है, देख रहा उतर। ठीक है, फिर भी कोई तो काम होगा ना, छोटी मालकिन कुछ तो होगा। छोटी मालकिन? हे प्रभु, ये किसने बोल दिया? अरे हम ही हैं इस घर की सबसे बड़ी मालकिन। अरे काहे से बड़ी मालकिन? हाँ, अरे इस घर की बड़ी मालकिन तो तामनी मैडम जी हैं। अरे आप तो उनके टुकड़ों पर पलती हैं, आप ना छोटी मालकिन हो। इतनी आ गई बड़ी मालकिन। राम राम बड़ी मालकिन। बड़ी मालकिन मैं हूँ या वो है, इससे क्या फर्क पड़ता है, सब जाने दो ना। मैं तुम्हें ये बोल देती हूँ कि आज तुम्हें क्या क्या काम करना है। बताइए। ऐसा काम तो बहुत ही छोटा है मोहन, लेकिन हो सकता है तुम्हें बड़ा लगे। अरे ऐसा कोई काम ही नहीं है जो मोहन त्रिवेदी, मेरा मतलब है कि आपका दुलारा ना कर सके। हुकुम। हेलो मैम। हेलो, अरे आप सब आ गए, प्लीज आइए ना। हेलो सर। हाय। हेलो सर, प्लेजेंट सरप्राइज। नमस्ते। नमस्ते।
ये सब कौन है? ऑफिस स्टाफ। दामिनी प्लीज इनके सामने मोहन की बेइज्जती मत करना। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं अभी आई। हाँ वैसे मोहन, मैंने ऑफिस के कुछ स्टाफ को एक छोटे से गेट टुगेदर के लिए बुलाया है, तैयारियां करवा ले। ये इन सब के बीच में हमें अकेला छोड़ के कहाँ जा रही है? See you. Sir, आपने हमें घर पे इनवाइट किया इसीलिए थैंक यू। हाँ सर, वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड। माय प्लेजर। अच्छा हुआ आप लोग आए। कब आए थे पिछली बार? बहुत टाइम पहले नहीं दीदी? हाँ। ये लोग तो अब भी मोहन को ही अपना मालिक मानते हैं। हाँ। चिंता मत कर, हम इन बेवकूफों को अब भी समझाते हैं। मोहन जाओ, हमारे मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। पर मैम, मोहन सर हमारे लिए पानी क्यों लाएंगे? इसलिए कि हमारे यहां काम करता है, हमारा नौकर है। गरीब नौकर है बेचारा। वो क्या है ना, पहले भी नाकारा था और अभी भी नाकारा है। सच बताए तो पूरा कारोबार तो अब तक हमारी बिटिया दामिनी ने ही संभाला है ना, और आज भी संभालती है। लेकिन क्या करे, अब ये बेचारा मोहन गरीब हो चुका है, भिखारी हो चुका है। इसका परिवार जो दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा है, तो हम बहुत दयालु है, तो हमें लगा कि इस बेचारे को नौकरी पर रख लेते हैं, एहसान हो जाएगा हमारा इस पर। पर सच बताएं, घर का भी काम ये ढंग से नहीं करता। पर क्या है ना, इस बेचारे को दो वक्त की रोटी मिल जाएगी, इसके परिवार का भी गुजर बसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया किया आपने मासी, बहुत बढ़िया। अरे आपको ये सोने की कमी नहीं लग रही है आप पर? हाँ, दो चार चीजें भूल गई हूँ मैं। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है आपके जबड़ों में सोने का दांत लगाने का। तोड़ दे दो चार दांत और लगवा दे। हाथ काहे दे रहे हो, मामा जी साथ में देवों से। मजाक कर रहे थे। अरे यही तो है इस घर का असली मालिक मोहन त्रिवेदी। ये मेरे मामा जी और मासी जी। क्या ही बताएं इनके बारे में, मैं आता हूं। नमस्ते। वैसे हम ही है मालिक, मासी जी मामा जी। क्या ही बताए हमारे बारे में। बस देखते जाओ मोहन, आज तो मैं तुम्हारे और उस राधा के रिश्ते की नींव को ही हिला दूंगी। बस ये राहुल टॉट 4 बजे यहाँ पहुंच जाए। प्रेस्टीज पब्लिकेशन है ना, वहीं पर जॉब लगी है।
ये बाकी का एडवांस डब्बा लेकर जाएगा? अरे नहीं, डब्बे की क्या जरूरत है, ऑफिस में बहुत बढ़िया सा कैंटीन है, वहाँ पर गर्म खाना मिलता है और वो भी ताजा, तो वहीं पर खा लूंगा। नौकरी का पहला दिन है मोहन जी, तो दही शक्कर तो खा के ही जाएगा। हम अभी लेकर आते हैं। बहुत लेट हो रहा है। अरे मोहन जी, मेरी वजह से मेरा परिवार सड़क पर आ गया, तो अब मैं किसी काम का नहीं रहा ना। हमें ऐसा लग रहा था कि आप किसी परेशानी में हैं। तो अब मुझे परेशानी से बाहर निकलने के लिए राधा जी की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब मैं किसी काम का नहीं रहा ना। रुको और भरोसा करो मुझ पर, और सिर्फ बातों में नहीं, असलियत में भी। हे बाकी बिहारी जी, ये कैसी समस्याएं आ रही है हमारे परिवार पर, ये कैसे काले बादल छा रहे हैं हमारे और मोहन जी के रिश्ते पर। अचानक मोहन जी का बर्ताव हमारी तरफ इतना अजीब कैसे हो गया? ना आज कल हमसे ठीक से बात करते हैं और ना ही हमें कुछ बताते हैं, ना हमारे हाथ से नाश्ता किया ना दही शक्कर खाया, और बाजार में भी कैसे चिढ़ गए थे हमसे। आखिर क्या चल रहा है मोहन जी के मन में? कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, आप हमारे मोहन जी की रक्षा करिएगा प्रभु। और ये डोमिनी का काला साया उनसे दूर रखिएगा। जो भी हो, बस इन सब के पीछे डोमिनी का हाथ ना हो। कर्मा करम। सर एक मिनट। एक मिनट सर, बैठो। अरे आंटी आप बैठिए। आप हमें सर नहीं करेंगे, हम इतने गिरे हुए भी नहीं हैं। भले आप ऑफिस नहीं आते थे, लेकिन जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन था तब पूरा टाइम आप मेरे साथ हॉस्पिटल में खड़े थे। सर जब मैं घर बना रही थी तब कोई भी बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा था, तब आपने मुझे घर बुलाकर पैसे दिए थे। अगर आप नहीं होते तो मेरे और मेरे परिवार के सर पे छती नहीं होती। आपने मेरी पोती के एडमिशन का डोनेशन दिया था, और वो भी उस स्कूल में जहां आपकी बेटी जाती है। हाँ सर, मेरे मम्मी पापा के जाने के बाद मेरे रिश्ते की बात करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, तब आप ही तो मेरे बड़े भाई बनकर मेरे रिश्ते की बात करने गए थे और मेरी शादी करवाई थी। अरे इमोशनल कर रहे हो। लीजिए सर। आओ। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या?
इस गरीब भिखारी को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हो? मम्मा, क्योंकि इज्जत पैसों से नहीं अपने कर्मों से कमाई जाती है। और मोहन सर ने हम सबके लिए इतना कुछ किया है इतने सालों में, अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। पता नहीं मोहन सर ये सब क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम सब उनके साथ हैं। थैंक यू सो मच गायत्री आंटी। खाओ बेटा। आप शुरू करिए ना सर। अरे आप लोग बैठिए प्लीज। आंटी आप बैठिए ना। खा रहा हूं मैं। हे प्रभु, दुनिया में ऐसा कोई बच्चा है जो हमें सुना के ना जाए? हाँ, इन्होंने भी हमें सुना दिया। बिटिया, यहाँ हमारा तमाशा बन रहा है और तू हंस क्यों रही है? तमाशा हमारा नहीं मम्मा, इस मोहन का होगा। चार बजने का इंतजार है। देखा दामनी, दौलत जो है ना वो सब कमा लेते हैं, इज्जत कमाना मुश्किल होता है। और ये है मेरी असली कमाई। हाँ मोहन, ये सब तुम्हारे कर्मों का ही तो फल है कि ये सब तुम्हारी अब भी इतनी इज्जत करता है। भले मोहन इस घर में नहीं रहता, लेकिन ये घर आज भी मोहन का है। हमेशा रहेगा। मोहन की जगह तो यहां कोई ले ही नहीं सकता। इसे क्या हुआ? ये अचानक से अलग बिहेव क्यों कर रही है? मोहन, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। मैं खिला देती। लो। मोहन, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? तुम्हें मेरा हर काम करना होगा और मेरा हर कहा मानना होगा। राधा को इस घर से निकाल दो, फिर उसके बाद ये पूरा घर सब कुछ तुम्हारा। दामिनी बिल्कुल सही कह रही है। इस राधा को इस घर में रखने के चक्कर में हम कितना सेक्रीफाइस करें। अब एक काम करिए, निकाल दो इसे घर से बाहर।
मैं ना अपनी राधा को कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया की सारी दौलत शोहरत ऐशो आराम एक तरफ और मेरी राधा का प्यार एक तरफ। राधा ना मेरी दौलत है। वो बहुत महान बन रहे थे ना मोहन भैया आप सबके सामने, अब खुद देखो यहां क्या कर रही हो। घर में सब आपको बहुत भगवान समझते हैं ना मोहन भैया, आज इस भगवान का असली रूप में सबको दिखाता हूं। एक सेल्फी हो जाए। ये खाना पीना तो चलता ही रहेगा पर मेमोरीज बना लेते हैं ना। जस्ट वन सेल्फी। चलो चलो आ जाओ कम ऑन। हाँ जाइए जाइए। कितनी अच्छी फोटो है ये। सो क्यूट ना। वेरी क्यूट। अब प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच। अरे मोहन तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, क्या हो क्या गया है? पूरा खाना मेरे हाथों से खाने का इरादा है क्या? कोई बात नहीं मम्मी। नहीं मोहन लोग देख रहे हैं। मोहन जरूर कुछ ना कुछ चाल होगी सबके पीछे भी। वाह तो ये है मोहन भैया का सच। हम सब वहां उस बरसाने में उस गंदी जगह पर तड़प रहे हैं पर इन्हें देखो यहां चिल कर रहे हैं। देखिए देखिए अच्छे से देखिए आप सभी लोग। और तुम बड़ा ज्ञान बांट रही थी ना उस दिन मुझे कि मोहन भैया हम सबसे बहुत प्यार करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हमारे लिए। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो। हम सबको यहां इस गंदी जगह पर इस गरीबी की आग में झोंक कर खुद देखो कैसे पार्टी कर रहे। नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा नाइस पिक्चर। कितनी अच्छी है ये ना। वेरी क्यूट। देखिए देखिए माँ आप भी देखिए अच्छे से कैसे मोहन भैया एसी की ठंडी हवा में बैठे। अब खाइए ना। कैसे बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे। कैसे ऑफिस वालों के साथ चिल कर रहे। आप वो स्पेशल चीज तो ले ही नहीं रहे हो। मैं जानता था कि आप में से कोई मेरी बात में यकीन नहीं करेगा राहुल भैया, इसीलिए मैं आप सबके आंखों से झूठ की पट्टी उतारने के लिए ये वीडियो बना के लेके आए। राहुल भैया अब तो आप सभी लोग मान गए होंगे ना कि मोहन भैया एक नंबर के झूठे राहुल भैया खुदगर्ज और धोखेबाज इंसान है। पनीर पकौड़ा। भैया ये आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं मानती हूँ ये सब। राहुल भी एक बार हमारी बात सुनिए। पर मोहन ऐसा कर क्यों रहा। मैं बताता हूँ राहुल भैया क्योंकि वो राहुल भैया